तो फ्रेंड्स आज हम वापस बात करने जा रहे हैं चतुर चालक चमन चूतिया चूरन खाने वाले दामाद जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दामाद जी की आधी सीरीज को रोस्ट कर दिया, तो और इस वीडियो में हम दामाद जी की पूरी सीरीज को रोस्ट कर देंगे। तो येड़ बगा लेट्स गो। लगता है रात में जो पेट्रोल के नशे किए थे उसका असर अभी हो रहा है। क्या मतलब ये मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अबे जो तू अभी बीड़ी पी रहा था वो पेट में चली गई और उसका धुआं पिछवाड़े में से निकल रहा है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ दामाद जी। आफत चाचा उठो उठो। अरे चाचा जी जाएं भाड़ की भट्टी में। पहले तुम मेरे को ये बताओ, दामाद जी के आने पे इतनी जोर से चिल्ला के कौन से देश की सेना को आगाह करते हो? मैं नहीं बताऊंगा। चलो कम से कम इस बार दामाद जी अपनी गाड़ी को चला के तो लेके आए। दामाद हूँ, अब दरोगा बन गया हूँ। जेल में बंद करके 200 चूहे डाल के तेरा मुंह कुतरवा दूंगा। दामाद जी ऐसा मत करना, नहीं तो अपने दोनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी। ओम फो, क्रिंज वीडियो बनाने के अलावा भी आप रोस्टिंग की क्लासेस लेने लगे हो। सही पकड़े हैं। ये उस सामान की लिस्ट है जो तुमने दहेज में दी नहीं है, घर पे पहुंचाओ। क्या मतलब सबसे ऊपर दिमाग लग रखा है? क्योंकि अगर इनमें दिमाग होता तो ये पुलिस की वर्दी पहन के ऐसी हरकतें थोड़ी ना दे रहे होते। बात तो सही है, लेकिन पता नहीं किस कारणवश हमारे जमीन तोड़ चाचा जी ने ईशान अली की वीडियो में काम करना बंद कर दिया। तुम कहीं बाहर गए हो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब कहाँ जाओगे? कब्रिस्तान। नहीं यार, ये चाचा जी में वो मजा नहीं है जो हमारे जंपिंग जपाक जमीन तोड़ चाचा जी में था। Nice. जल्दी जल्दी चल। चल तो रही हूँ, मेरी ऊंची हील है। दामाद जी अचानक कैसे आना हो गया? तो क्या करूँ, सब जगह अपने आने के पोस्टर लगवा के आओ। प्रिय दामाद जी आप ससुराल आने के पोस्टर बिल्कुल मत लगाइएगा, क्या पता लोग उसको सर्कस का पोस्टर समझ बैठे। इमोशनल। दामाद जी बैगन शरीफ बनवा लें या भिंडी मुबारक या फिर पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद। अरे दामाद है तो क्या गधे का ताजा गोबर खाएगा? क्या मतलब ये खुद की चीजें नहीं खाता। ओ सोन पापड़ी, गरम मत कर मेरी खोपड़ी, छोड़ के चला जाऊंगा, निकल जाएगी तेरी सारी है। अबे चले जा, कोई नहीं है यहाँ पे खुश देख के तेरी थोपड़ी। और तू इंसान है या फिर चलती फिरती बीमारियों की? लेकिन पता नहीं अब दामाद जी पे कौन सा टोटका किया गया है कि उनकी आदतों में थोड़ा सा सुधार है। जल्दी जल्दी चलो वरना यहीं बांध के डाल दूंगी। अरे भाई दामाद जी आ गए। दामाद जी। चाचा जी अभी ओवर एक्टिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, अब दामाद जी की आदतों में सुधार है। आफत। दामाद जी ये तुम्हारी पतंग इतनी ऊंची आसमान में उड़ रही थी, अचानक जमीन में कैसे ढह गई? क्योंकि इन मोहतरमा को रियलाइज हुआ कि ये भी तो एक लड़की है, तो उन्होंने उड़ती हुई पतंग को काट दी। लेकिन अब पता नहीं ये नए वाले चाचा जी ने भी ईशान अली की वीडियो में काम करना क्यों बंद कर दिया है। लगता है ईशान अली की वीडियो में ज्यादा जंपिंग जपाक करने से घुटने की कटोरियां खराब हो गई। दामाद हूँ अब बन गया हूँ बाकी। दामाद जी जितनी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं है उससे ज्यादा लोगों ने आपको कर चुका है जली। तो प्रिय दर्शकों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको किसी नई मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।